राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद सरकार बनाने की पूरी कोशिश जारी है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर कहा कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, 5 साल नहीं, हम चाहते हैं कि 25 साल तक शिवसेना का सीएम हो। शिवसेना बड़ी पार्टी है, हम 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के हित में काम करती रहेगी, महाराष्ट्र के निर्माण में कांग्रेस का भी योगदान रहा है, हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे, गठबंधन का फॉर्मूला उद्धव ठाकरे तय करेंगे। बता दें आपको कि 24 अक्टूबर से उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे थे कि सीएम शिवसेना का ही होगा। इसके साथ ही बताते चले कि सरकार गठन पर संजय राउत ने कहा कि बातचीत चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र के हित में होगा, सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका अनुभव राज्य चलाने का काफी सालों का है, सभी को साथ लेकर चलेंगे। वहीं बता दें आपको कि सावरकर के भारत रत्न के सवाल पर संजय राउत ने गोलमोल जवाब दिया। राउत ने कहा कि बीजेपी ने अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। बता दें आपको कि इस बीच खबर आ रही है कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना का सीएम होगा जबकि कांग्रेस एनसीपी का डिप्टी सीएम होगा। हालांकि आखिरी फैसला अभी शरद पवार सोनिया गांधी की बैठक में लिया जा सकता है। कांग्रेस के खाते में 12 मंत्री जबकि एनसीपी शिवसेना के पास 14 मंत्री होंगे। हालांकि मुस्लिमों को आरक्षण और शिवसेना के सावरकर के भारत रत्न की मांग पर पेच फंसा है। सूत्रों के अनुसार विवादित मुद्दों को फिलहाल बाहर रखा गया है। 5% के मुस्लिम आरक्षण को शिवसेना नेता संजय राउत ने फिलहाल टाल दिया है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।